हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग एक सीक्वेंस में सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इस समय जो है हम लोगों ने स्टेप सिग्नल्स के बारे में देखा, इंपल्स सिग्नल के बारे में देखा, दिस इज़ द लास्ट वन रैंप सिग्नल, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल। इसके बाद पैराबोला सिग्नल भी आते हैं, तो हम लोग बेसिकली रैंप सिग्नल पर अपना काम करते हैं। रैंप के बारे में मैंने बताया कि रैंप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, मीन्स वेन जब भी आप टाइम के मीन्स हॉरिजेंटल एक्सेस पे जो भी वैल्यूज होगी, आइदर बेसिकली उसको टाइम पे लिया जाता है। टाइम के साथ जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज करते चलेंगे, अगर हमारा एम्पलीट्यूड एक लीनियर फॉर्मेशन में इंक्रीज होता चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो रैंप सिग्नल के फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहा है। जैसे हमने कहा ये टाइम एक्सेस है हमारा और ये हमारा एम्पलीट्यूड है। जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और ये जो फॉर्मेशन है ना ये लीनियर फॉर्मेशन में है, यानी कि एक स्लोप का फॉर्मेशन होगा। जहां कहीं भी किसी भी वेव फॉर्म में स्लोप का फॉर्मेशन होगा, हम कह देंगे कि वो रैंप सिग्नल का फॉर्मेशन है। कैसे डिफाइन किया जाएगा इस फंक्शन को? बेसिकली कोई भी अगर वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी है, इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है एक्स ऑफ टी के साथ विथ सम स्लोप और प्लस सी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। यही हमारा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन और सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन। तो अगर हम कहें सी जीरो है तो वो ओरिजिन से पास होगा, सी की कुछ वैल्यूज हो तो प्लस एक्सेस वाई एक्सेस के साथ कुछ जाएगा। कहने का मतलब था कि अगर आपको स्लोप मिल रहा है तो वो रैंप का फॉर्मेशन करेगा। सिग्नल एंड सिस्टम में रैंप सिग्नल को हम लोग बेसिकली आर ऑफ टी से डिफाइन करते हैं। कहता है ये आर ऑफ टी जो है ये वैल्यू टी देगा जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, और टी इज लेस देन जीरो होगा तो हम कहेंगे सारी वैल्यूज जीरो दे दे रहा है। बेसिक फॉर्मूला ऑफ रैंप सिग्नल, मान लो हमने लिया t इज इक्वल टू जीरो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो पे कितनी वैल्यू बेटा? जीरो है तो ये जीरो मिल जाएगा। t की वैल्यू वन रखिए, जैसे t इज इक्वल टू वन रखेंगे यानी कि वन जीरो से बड़ा है, तो जब वन जीरो से बड़ा है और वही वैल्यू यहां आ जाएगी y पे भी, यानी कि x पे हमने टाइम को वन किया तो y भी वन हुआ, तो ये पॉइंट हमको मिलेगा। t की वैल्यू टू रखिए, ये y की वैल्यू डिफाइन कर रहा है जो हम लोग yt is equal to means rt को डिफाइन कर रहा है। यहां पे अगर हम लिख दें कि ये rt है और ये t है, t की वैल्यू 2 रखिए, 2 रखेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू जो 2 है इस वैल्यू 2 के साथ मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग एक एक वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएंगे, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये एक रैंप सिग्नल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस सिग्नल को कहा जाता है रैंप सिग्नल। जहां कहीं भी एग्जाम में हमें स्लोप दिखेगा हम कहेंगे रैंप है वो। रैंप पॉजिटिव भी हो सकता है, रैंप निगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको कहा जाए कि एक ट्रायंगुलर वेव बनाइए, तो ट्रायंगुलर वेव देखिए इस तरीके से बनता है, तो ये पॉजिटिव स्लोप ये निगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप ये निगेटिव स्लोप, तो कहीं ना कहीं ये रैंप से ही डिफाइन होता है। हम आपसे कहते नहीं साटूथ वेव बनाइए, तो ये देखिए पॉजिटिव स्लोप, एब्रप्ट सिग्नल डाउन हो रहा है, फिर स्लोप, फिर एब्रप्ट डाउन हो रहा है, फिर स्लोप। तो जहां कहीं भी आपको ये जितने इंपॉर्टेंट सिग्नल हैं, अगर आप रैंप सिग्नल के बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो इन सिग्नल का फॉर्मेशन आपको बनाना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए रैंप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है हमारे लिए। अब हम लोगों ने रैंप के बारे में स्टडी किया, स्टेप के बारे में स्टडी किया, और एक सिग्नल है हमारा इंपल्स, स्टेप और रैंप, एक रिलेशन देख लिया जाए तीनों के बारे में कि तीनों में क्या क्या रिलेशन है, तो एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें रिलेशन बिटवीन आर टी यू टी एंड डेल्टी, जब भी आप आर टी सिग्नल लीजिए इसको एक बॉक्स में डालिए और उसको d बाई डी टी कर दीजिए,
मतलब रैंप को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, जो आउटपुट मिलेगा वो यूटी हो जाएगा। यूटी को अगेन लीजिए, डी बाई डी टी कर दीजिए, तो किसका फॉर्मेशन आ जाएगा, डेल ऑफ टी का। वाइसी वर्सा अगर चलें, डेल ऑफ टी ले लीजिए, इसको एक बॉक्स में डालिए, उसको इंटीग्रेट कर दिए, इसको डिफरेंशिएटर कहा जाता है, इसको इंटीग्रेटर कहा जाता है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको यूटी मिलेगा। यूटी को अगेन बॉक्स में ले जाइए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको रैंप मिल जाएगा। ये एक मोस्ट कॉमनली मिलते हैं, बस डिपेंड करता है कि वैल्यूज कितनी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो जीरो हो जाएगा, और जीरो को इंटीग्रेट कर दीजिए वही कांस्टेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सारे केसेस के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बेसिकली अगर एक रिलेशन के टर्म्स में बात किया जाए तो हम लोग इंपल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो स्टेप मिलता है, स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे रैंप मिलेगा, और रैंप को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंपल्स सिग्नल मिल जाएगा। एक छोटा सा रिलेशन है ये हमारा। तो हम लोगों ने आज कितने टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं, रैम के बारे में हमने देखा, स्टेप सिग्नल के बारे में देखा, इंपल्स सिग्नल के बारे में देखा, बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब जो है आगे भी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।